द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स में सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली, जहां एक और रायबरेली के बाल कल्याण गृह में शिक्षिका पर छात्रों द्वारा हमला का वीडियो वायरल होने के बाद एक वीडियो फिर वायरल हुआ, जिस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा था कि पूर्व हो सके वारदात की कार्रवाई वहां के शिक्षकों ने छात्रों को पीट कर की थी, जिसको लेकर बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर अपनी सदस्य सुजिता चतुर्वेदी को रायबरेली के बाल कल्याण गृह जांच के लिए भेजा था। वहीं इस मामले में एक मोड़ उस समय देखने को मिला जब बाल कल्याण गृह में बाल संरक्षण आयोग की सदस्य के सामने ही छात्रों ने उपद्रव मचा दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही वहां पड़ी कुर्सियों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि मौजूद प्रशासन ने बच्चों को काबू में कर उनको शांत कराया, पर देखने वाली बात यह रहेगी कि इन माहौल के चलते इस पूरी घटना पर क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान सुजिता चतुर्वेदी ने बताया कि बाल कल्याण गृह में कुछ सही नहीं मिला, जाँच में सब कुछ ठीक नहीं है। मानक के विपरीत बच्चों की परवरिश, घटिया खाना, रहने की घटिया खाना व्यवस्था, यहाँ तक कि रसोई में सही सामान भी नहीं मिला। और तो और 55 बच्चों के बीच नहाने के लिए एक साबुन दिया जा रहा था। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि उनके निरीक्षण के दौरान जो भी साक्ष्य उन्हें मिले हैं वह मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उनका दावा था कि इस तरह के बाल कल्याण गृह अगर प्रदेश में और कहीं मिलते हैं तो उन्हें बंद करने के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षकों के बीच की लड़ाई अच्छी परवरिश ना होने के चलते हुई है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कड़ा रुख अपनाती है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस बाल गृह से कुछ शिकायतें पहुंची थी, यहाँ बाल कल्याण अधिकारी को बच्चों ने मारा था, उसी की इन्वेस्टिगेशन पर। तो क्या देखा आपने, बातचीत किया लोगों से, क्या देखा आपने? क्या मैंने बच्चों से भी बात करी, मैंने दोनों पक्षों से बात करी है, यहाँ के अधीक्षक से भी बात हुई है, और उसमें अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। दोनों पक्षों को सुना है, उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर ये स्थिति यहाँ तक आई क्यों है। ये बच्चों ने अभी उद्दंडता की है, तो ये क्या जो आप चर्चा कर रहे हैं कि एक कहीं प्लान तरीके से सारी चीज़ें की जा रही हैं, इस पर क्या कहना है? जैसा बच्चों से बातचीत करी और कैमरा, उस दिन का कैमरा देखा गया है, तो उससे ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ प्री प्लान्ड था, प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म होकर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे साक्ष्य हमने खुद स्वयं लिए हैं और उसको वापस लखनऊ जाकर एक बार फिर से उसको एक तरह से देखा जाएगा और उसके बाद एक्शन होगा। मैम, कमियाँ क्या दिखी आपको यहाँ पर? कमियाँ मैंने इनका स्टोर देखा, बच्चों जिस तरीके से एक बाल गृह को मान्यता मिलती है उस मान्यता के अनुरूप ये बाल गृह नहीं चल रहा। यहाँ पर ना तो कोई काउंसलर है, बालिका गृह में भी पुरुष लोग काम कर रहे हैं, एक महिला अधीक्षिका है, बाकी वहाँ पर लेखा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब पुरुष हैं। इस नाते उस बालिका गृह में वो ना बैठकर बालक गृह में बैठते हैं और यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग सा मुझे पहली प्रथम दृष्टया लगा। दूसरी चीज़, मैंने इनका स्टोर देखा तो स्टोर में चीज़ें मुझे व्यवस्थित नहीं नज़र आई। बच्चों को 6 महीने से ब्रश नहीं मिला, एक ब्रश काफ़ी पुराना, पूरी तरीके से घिस चुका है, जो टूथ ब्रश है बच्चों का वो नहीं मिलता। इतना बच्चा है और बच्चों में एक साबुन दिया जाता है नहाने के लिए, जबकि नियम ये है कि प्रत्येक बच्चे को एक साबुन, एक पेस्ट, एक तेल की शीशी और शैम्पू सब दिया जाता है। बच्चों को शैम्पू नहीं दिया जाता, जबकि इन्होंने अपने स्टोर में उसको संरक्षित कर रखा है स्टोर में कि बच्चों को शैम्पू दिया जाता है। एक पेस्ट की जगह पर बच्चों को एक कोई उन्होंने कोई दूसरा सा मंजन ला के रखा हुआ है, नियमता ये नहीं होता। इन्होंने मुझे कोई बिल वाउचर्स नहीं दिखाए, इन्होंने कहा 11 महीने से मुझे एड नहीं मिली है, 11 महीने से एड नहीं मिली फिर भी संचालन किया जा रहा है, उसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता, वो एक जांच का विषय है। और
बेसिकली ये है कि बच्चों में संस्कार, जो एक बाल ग्रह वो ग्रह होता है जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या कुछ कल्पित बच्चे हैं जिन्होंने कभी कुछ छोटा सा अपराध किया और वो यहाँ चले आए, इस तरीके से के बच्चे रहते हैं। यहाँ पर वो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनको अपना पता नहीं मालूम, ऐसे बच्चे रह रहे हैं। तो एक पिता और माता की भूमिका में मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आया, जिसके अंदर मुझे ये बच्चों में जो संस्कार देखने को मिले, ये लगता है कि उनकी परवरिश अच्छे से नहीं। मैं भोजन को लेकर अभी आप कुछ बात कर रही थी कि दाल कम है, कैसा है, पर नमक ज़्यादा है, कुछ क्या चीज़? उन्होंने बताया कि 55 लोगों का भोजन बना है, 55 लोगों के भोजन में उन्होंने 10 लीटर का वो शायद कुकर है, और उस कुकर में वो आधा कुकर दाल थी। जब पूछा गया कि ये तो कम है 55 लोग और बाकी स्टाफ भी खाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैडम पानी मिला दिया जाएगा। बच्चों को फल दूध इन सब की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं जाएगा। हाँ, बहुत सारी कमियाँ नज़र आई हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई थी कि जो एक बाल कल्याण अधिकारी को बच्चों ने मारा था, तो वो उसकी पूरी कहें कि जाँच यहाँ पर समाप्त हुई, लेकिन वो जाँच रिपोर्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अपने अध्यक्ष को सौंपूंगी। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।